हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं यहाँ पर दलिया खिचड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये खाने में तो अच्छी लगती है और साथ में बहुत ही हेल्दी होती है, खासकर उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जिन्हें चावल खाना मना होता है। इसे कैसे बनाना है, चलिए हम इसे देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप गेहूँ की दलिया लिया है। ये देखिए, मोटे दाने वाली दलिया है, और अगर आपको इससे बारीक दाने वाली दलिया मिलती है उसकी भी आप खिचड़ी बना सकते हैं। और इसी के साथ मैंने 1/4 कप मूंग की दाल लिया है। मेरी दलिया थोड़ी मोटी है जिसे मैं आधा घंटे के लिए भिगाकर रख दूंगी। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही आधा घंटे पहले दलिया को धोकर उसे भीगने के लिए छोड़ दिया था। अभी देखिए, ऐसे उंगली के बीच में मैश करने से दलिया अच्छी तरीके से मैश हो जा रही है। खिचड़ी में कुछ हम सब्जियाँ भी डालेंगे। अभी ठंडी का मौसम है तो बहुत सारी सब्जियाँ मार्केट में मिल जाती हैं। यहाँ पर मैंने गोभी ली है, थोड़ा सा गाजर, थोड़ा मटर, 2 हरी मिर्च, 1 छोटा प्याज, 1 आलू और थोड़ा सा अदरक लहसुन को कट कर लिया है, और 2 टमाटर लिए हैं। कुकर में एक तरफ 3 से 4 चम्मच तेल डालकर गरम होने के लिए रख देना है। तेल जब गरम हो जाए तब हमें इसमें जीरा और 1 चुटकी हींग डालना है। जीरा जब लाल होने लगे तब हम इसमें कटा हुआ लहसुन और अदरक डालेंगे, और उसी के साथ हरी मिर्च और प्याज भी डालेंगे। इसे हमें चलाते हुए थोड़ा सा लाल कर लेना है। जैसे ही प्याज हमारी लाल होना शुरू हो जाए उस टाइम पे हम कटी हुई सारी सब्जियां इसमें डाल देंगे, जैसे गोभी, मटर, आलू और गाजर। टमाटर हम बाद में डालेंगे, पहले हमें इन्हीं सब्जियों को डालना है और मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। क्योंकि टमाटर अगर हम पहले डालते हैं तो टमाटर पानी छोड़ देगा जिससे हमारी सब्जियाँ भून नहीं पाएंगी। और अगर आपको टेस्टी दलिया खाना है तो इन सब्जी का भूनने का टाइम 2 से 3 मिनट ही है। उससे ज़्यादा अगर आप सब्जी को भूनेंगे तो दलिया में सब्जी का फ्लेवर नहीं आएगा। तो बस इस टाइम पे अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे, जैसे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पर मैंने सांभर मसाले का यूज किया है, ये 1/2 टीस्पून है। और मुझे ये दलिया में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। आपके पास अगर ना हो तो आप इसकी जगह पे गरम मसाले का यूज़ कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम टमाटर डालेंगे। इससे क्या है, हमारा मसाला तो भुनेगा ही और साथ में टमाटर जो पानी रिलीज करेगा इसकी वजह से हमारा मसाला जलेगा भी नहीं। अब इसे एक बार सब्जी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने के बाद हमें लो फ्लेम पर कुकर को ढक देना है। सीटी नहीं लगानी है, सिर्फ ऐसे ढक देना है, और कुछ सेकंड के बाद हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसे हम चलाकर देख लेते हैं कि मसाला अच्छी तरीके से भुना है कि नहीं। देखिए, मसाले ने तेल छोड़ भी दिया है और मसाला हमारा नीचे लगा भी नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर मसाला भूनने के लिए पानी नहीं डाला था, सिर्फ टमाटर का यूज़ किया था, और टमाटर के पानी की वजह से ही मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब हमें डालना है इसमें 1/2 चम्मच नमक, और उसके बाद हम दलिया डालेंगे जो हमने 1/2 घंटे पहले भिगाकर रखी थी। दलिया का पानी मैंने अभी निकाल लिया है। पहले हम इसमें दलिया डालेंगे और उसके बाद हम मूंग की दाल डालेंगे। दाल को भी मैंने सब्जी कट करने के टाइम पर भिगा दिया था। दोनों चीज़ों का पानी मैंने इसलिए पहले निकाल दिया कि अगर हम एक साथ पानी डालेंगे तो इसका टेम्परेचर एकदम से लो हो जाएगा, जिससे खिचड़ी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। तो जब हम दलिया और मूंग को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे सब्जी के साथ, उसके बाद हम जो पानी हमने निकाला था वो 1/2 कप पानी, और उसके साथ 1/4 कप पानी और डाला है मैंने, क्योंकि यहाँ पे मेरी दलिया और दाल दोनों भीगी हुई थी तो इसको पकाने में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब कुकर में पानी उबलने लगे तभी हमें कुकर का ढक्कन लगाना है, और उसके बाद हमें 2 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देना है। कुकर जब ठंडा हो जाए तभी हम इसे खोलेंगे, और यहाँ देखिए हमारी खिचड़ी बनकर तैयार है, और दिखने में बिल्कुल जैसे चावल की हम खिचड़ी बनाते हैं वैसे ही खिचड़ी बनकर तैयार हुई है। बस यहाँ पर हमें डालना है कटी हुई हरी धनिया, और उसके बाद हमें इसे सर्व कर लेना है। आप चाहें तो इसे घी के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी खिचड़ी लगती है, और ख़ासकर जो बैचलर हैं उनके लिए तो बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, क्योंकि उन्हें अलग से कुछ भी बनाना नहीं पड़ेगा, सब एक साथ डालकर वो बना सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसी के साथ मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।